चितवाड़ी संस्कृत महाविद्यालय का है मामला। दो व्याख्याताओं के भरोसे चल रहा संस्कृत महाविद्यालय, विद्यार्थियों ने व्याख्याताओं के रिक्त पद भरने की मांग। 10 अक्टूबर से संचालित होने जा रही ऑफलाइन कक्षाएं, लेकिन व्याख्याताओं के रिक्त पद खाली होने के कारण कैसे हो पाएगा अध्ययन कार्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव राजस्थान। एक तरफ राज्य सरकार संस्कृत को बढ़ावा देने की बात कर रही, वहीं दूसरे प्रदेश में इस भाषा के हाल बदतर होते जा रहे हैं। प्रदेश में करीब 52% पद तो विश्वविद्यालय शिक्षा तथा कॉलेज शिक्षा में 75% पद रिक्त पड़े हैं। इसके चलते संस्कृत कॉलेज बंद होने की कगार पर आ चुके हैं। चोमू विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चितवाड़ी में स्थित राजकीय लक्ष्मीनाथ शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय का हाल देखने को मिल रहा है। महाविद्यालय में पिछले 3-4 साल से साहित्य शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, हिंदी साहित्य, प्राचार्य सहित LDC, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, कंप्यूटर, पर्यावरण आदि विषयों के पद रिक्त चल रहे हैं, जिनके सुनने वाले ना तो सरकार है, न स्थानीय नेता। आखिरकार विद्यार्थी की समस्या कौन सुनेगा? कौन से दूर से आते हैं अध्ययन कार्य के लिए? राजकीय लक्ष्मीनाथ शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय चितवाड़ी में अध्ययन कार्य के लिए कोसों दूर से विद्यार्थी आते हैं, लेकिन महाविद्यालय में व्याख्याताओं के पद रिक्त होने के कारण छात्र छात्राओं को बेरंग वापस घर लौटना पड़ता है। आपको बता दें कि इस महाविद्यालय में 25 से 30 किलोमीटर दूर दराज से अध्ययन के लिए विद्यार्थी आते हैं, जिनके लिए आवागमन की सुविधा तब भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए छात्र छात्राओं को पैदल चलकर महाविद्यालय में आना पड़ता है। आपको बता दें कि इस महाविद्यालय में अधिकतर संख्या छात्राओं की है और आवागमन सुविधा नहीं होने के दौरान माता पिता अपनी बेटियों को नियमित रूप से नहीं भेज पाते हैं। महाविद्यालय को NCC का दर्जा मिले तो युवाओं को मिले रोजगार। आज देश के कोने कोने से नौजवान देश की रक्षा के लिए नेवी, एयरफोर्स, आर्मी आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटा हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालयों में NCC नहीं होने के कारण युवाओं के सपने साकार साबित नहीं हो पा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि संस्कृत महाविद्यालय चितवाड़ी में 100 सीटों का NCC का दर्जा दिया जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाएं आगे आकर निखर सके। महाविद्यालय का खेल मैदान नहीं होने के कारण विद्यार्थियों में है निराशा। कैसे बने सचिन और शायना? राज्य व केंद्र सरकार खेल क्षेत्र के जगत को बढ़ावा देने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक महाविद्यालय के लिए खेल मैदान तक नहीं है, जिससे विद्यार्थी खेलों की तैयारी भी नहीं कर सकते। संस्था प्रधान का कहना है कि कई दिनों से खेल मैदान की भूमि आवंटन का मामला जिला कलेक्टर व उपखंड अधिकारी के पास विचाराधीन चल रहा है, जिसका अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। बोर्ड परीक्षा में परीक्षार्थियों को करना पड़ता है समस्याओं का सामना। जब राजस्थान संस्कृत महाविद्यालय की परीक्षाएं संचालित होती है तो सैकड़ों परीक्षार्थी इस महाविद्यालय में परीक्षा देने के लिए आते हैं तथा विश्वविद्यालय के द्वारा इसे परीक्षा में सेंटर बनाया जाता है, लेकिन महाविद्यालय में ऑल वे कमरों के अभाव के कारण परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए बाहर बैठना पड़ता है, जिससे विद्यार्थियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। जय हिंद।